हेलो दोस्तों, मैं साओ, मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे मार्केट का स्टडी, कल कैसा परफॉर्मेंस रहेगा उसके बारे में देखेंगे, और कौन कौन स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस देगा उसको भी स्टडी करके चलते हैं इस वीडियो में। पहले मार्केट के स्टडी से पहले देखेंगे जो फ्राइडे को मार्केट ऑफ था, थर्सडे को मार्केट कैसा परफॉर्मेंस दिया था। ये देखिए निफ्टी 50 9111, जो लास्ट 1 तारीख के दिन अच्छा मार्केट रैली दिया था 363 पॉइंट। निफ्टी बैंक देखिए 967 पॉइंट रैली दिया था, जिस वजह से मार्केट पॉजिटिव में बंद हुए। तो ग्लोबल मार्केट देखा तो उसी दिन नाइट में अप्रैल 11 तारीख तक सिंगापुर 9096 10 पॉइंट नेगेटिव में बंद हुए, और बाकी ग्लोबल इंडेक्स देखा जाए तो नाजडाक प्लस में बंद हुए और सारा ग्लोबल पॉजिटिव में बंद हुए। तो देखेंगे अब मंडे को कैसे मार्केट मॉर्निंग में ग्लोबल उसको इम्पैक्ट करते, और ग्लोबल में यही है जो करेक्शन हो गया जितना करेक्शन होना था, और ये मार्केट क्या करेगा, एक रैली में आ जाएगा। एक रैली मतलब जैसे मार्केट एक दिन 3 दिन पॉजिटिव रहेगा, एक दिन नेगेटिव रहेगा। जैसे 1000 पॉइंट मार्केट पॉजिटिव 3 दिन तक आ गया 3 कैंडल, तो एक कैंडल नेगेटिव रहेगा 400 पॉइंट। इसी तरह मार्केट ऑफ की तरह धीरे धीरे चलेगा, क्यों मार्केट ये बात को समझता है कि अभी जो लॉकडाउन सिस्टम जो कोरोना वायरस आगे आने वाला समय में ठीक हो सकते हैं। तो ये लॉकडाउन भी अभी गवर्नमेंट ने अप्रैल 30 तक ले लिया है, तो इसी के चलते मार्केट में थोड़ा उतार चढ़ाव कम रहेगा। तो चलते हैं मार्केट का चार्ट देखते हैं कैसा रहता है। तो ये रहा निफ्टी 50, ये है एप्लीकेशन, ज़ेरोधा का एप्लीकेशन है। तो निफ्टी 50 के चार्ट में हम अगर चार्ट खोल के देखें तो निफ्टी 50 का चार्ट सॉरी निफ्टी 50 का चार्ट थोड़ा स्लो हो रहा है। निफ्टी 50 का चार्ट खुल गया, ये 5 मिनट का कैंडल। अगर वन डे कैंडल देखेंगे, वन डे कैंडल इसलिए देखते हैं कि इसमें आपको साफ साफ दिखाई देगा कि किस तरह मार्केट मूवमेंट रहता है। तो ये देखिए वन डे कैंडल में, जैसे हम यहाँ बात किए थे, ये जो कैंडल बन रहा था उसको टेस्ट करने एक बार जाएगा। तो ये देखिए मार्केट एक बार टेस्ट करने आ गया, और यहाँ आए कि रेजिस्टेंस लेवल है 9150 का 180 एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये 9180 का रेजिस्टेंस अगर तोड़ता है तो ये फिर रैली बनेगा, 9250 का टारगेट बना सकते हैं। और जब तक 9180 का रेजिस्टेंस नहीं तोड़ता है तो 9000 आपका हो गया सपोर्ट जोन, तो उसी के बीच में आप ट्रेड कर सकते हैं। 9180 और 9000 के बीच में अभी मार्केट खड़ा है 9111। तो किसी तरफ अगर ब्रेक करता है तो कम से कम 100 से 150 पॉइंट आपको रैली मिल सकता है। ये निफ्टी 50 का देखिए MACD जो इंडिकेटर ये बता रहा है कि जो क्रॉस ओवर हो गया ऊपरी की ओर जा रहा है, इसका मतलब ये है मार्केट पॉजिटिव की ओर आ रहा है। तो आ रहा है सही, देखिए 47 ऊपरी ओर आ रहा है, और बॉलिंजर बैंड तो ठीक है, अभी मिड बॉलिंजर बैंड को क्रॉस किया है। तो इसी तरह मार्केट देखेंगे मंडे को कैसे किया गया था। तो निफ्टी 50 का ही है 9180 और 9000 के बीच में अब देखा जाएगा। तो ये रहा निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 का चार्ट इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें जो इंडेक्स है 50 स्टॉक है, तो वो निफ्टी 50 जैसे परफॉर्मेंस करेगा बाकी सारे स्टॉक उसी तरह परफॉर्मेंस करेंगे। तो निफ्टी बैंक का चार्ट देखते हैं। निफ्टी बैंक का चार्ट ये रहा वन डे कैंडल। वन डे कैंडल इसलिए देखते हैं कि मार्केट व्यू अच्छी तरह पता लग जाता है कल कैसा व्यू रहेगा। निफ्टी बैंक का चार्ट देखिए अभी भी टच नहीं हुआ बोलेंजर बैंड, अगर टच करता है तो 20262 हो गया उसका लेवल, और फाइनल लेवल हो गया टारगेट 20800 के आसपास। 20800 हुआ आपका टारगेट अगर 20200 को क्रॉस करता है, अगर और सपोर्ट जोन हो गया इसका 19500 को अगर नीचे की ओर काटता है तो कम से कम आपको 600 से 700 पॉइंट नीचे मिलता है। तो ये रहा
निफ्टी बैंक का चार्ट के देखिए यहाँ एक गैप है। ये गैप को अगर टेस्ट करने अगर आता है तभी भी आपको 600 से 700 पॉइंट मिल सकते हैं। अगर गैप को टेस्ट नहीं करेगा तो कम से कम ऊपर की ओर 600 से 700 पॉइंट मिल जाएगा। तो इसी के बीच में मार्केट खड़ा है निफ्टी बैंक 19,900 के आसपास। तो आपको देखना है 20,200 को क्रॉस करता है कि नहीं। अगर 20,200 को क्रॉस करके चला जाता है तो कम से कम वहाँ से 600-700 पॉइंट आपको मिल जाएगा। 20,800 तक आप टारगेट बना सकते हैं। ये रहा निफ्टी बैंक का चार्ट। निफ्टी बैंक का MACD इंडिकेटर देखिए कैसे क्रॉस ओवर किया है। RSI भी ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं कैसे रहते हैं। जैसे मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था पिवट पॉइंट लगाने के लिए, तो फंक्शन में जाके आप पिवट पॉइंट सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पिवट लिखने से पिवट पॉइंट आ जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ सेटिंग बनना है और डाउन बनना है। देखिए पिवट पॉइंट लग गया। पिवट पॉइंट का मतलब यहाँ आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा। ये रहा सपोर्ट जोन, ये रहा रेजिस्टेंस। आप आसानी से पहचान पाएंगे किसी तरह मार्केट रिएक्ट करता है। ये रहा निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक जैसे मार्केट पॉजिटिव रहता है सबसे पहले भागने वाला स्टॉक हुआ कोटक बैंक। तो कोटक बैंक का वन डे कैंडल देखिए बुलिश एंगल स्विंग कैंडल बना हुआ है। इसका मतलब है अगर मार्केट कल भी पॉजिटिव जाता है तो कम से कम 1324 का टारगेट मान सकते हैं। 100 से 100 पॉइंट आराम से आसानी से जा सकता है। तो ये रहा कोटक बैंक। और सारा स्टॉक देख सकते हैं, न्यूट्रिटी है, रिलायंस है, हिंदुस्तान लीवर है, HDFC बैंक है, इन्फोसिस है। आप सबसे ज़्यादा स्टॉक देना है जो निफ्टी 50 का अंडर में है, जो अच्छा 50 स्टॉक, वो 50 स्टॉक में आप इन्वेस्ट करिए, उसमें आपको अच्छा रिटर्न्स मिल सकते हैं। निफ्टी 50 का जो 50 स्टॉक कौन सा है उसको देखने के लिए आपको पहले मनी कंट्रोल जाना पड़ेगा। मनी कंट्रोल में पहले निफ्टी 50 क्लिक करना है। निफ्टी 50 क्लिक करने के बाद वहाँ लिखा है स्टॉक, लिखिए निफ्टी 50 का अंडर में 50 स्टॉक है। तो इसी 50 स्टॉक में आप इन्वेस्ट करिए, सबसे अच्छा रिटर्न्स यही स्टॉक में ही मिलता है। तो चलते हैं मंडे को कैसे रहता है मार्केट उसको भी देखते हैं, और सुबह सुबह ग्लोबल मार्केट भी चेक करेंगे कैसे रहता है, उसी हिसाब से हमारा मार्केट परफॉर्मेंस करेगा। क्योंकि 3 दिन छुट्टी रहा है तो इसी हिसाब से मार्केट में जो हमारा जो ग्लोबली जो कोरोना वायरस केसेस अभी देखिए तो अमेरिका में 5 लाख में पहुंच गया है और इंडिया में 8,500 के आसपास पहुंच चुका है। तो जब हम पिछले 3 दिन बाद किए थे जो मार्केट उसी समय 6,700 के आसपास था तो केसेस, तो अभी 8,500 के आसपास पहुंच गया। तो इसी हिसाब से हमारा जो कोरोना वायरस केसेस बढ़ते जा रहे हैं हर दिन के 1,000 पॉइंट। तो देखते हैं मार्केट में कैसे इसका परफॉर्मेंस देते हैं। पहले ग्लोबल मार्केट को चेक करके हम मार्केट में ट्रेड करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।